एक नगर में दो भाई राजू और दीपू नगर के एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए भाई, मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन अपना एक गैराज खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्दी ही हर शहर में अपना एक गैराज होगा। ये कहने के बाद दोनों राजू और दीपू अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में राजू और दीपू अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं, तभी पीछे से उसकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। राजू के बगल में उसकी गैराज का मालिक ग्रे शर्ट, काले पैंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पे चश्मा। तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने बना के दी थी, ग्राहक का फोन आया था, उनकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। ये एक महीने में तुम्हारी आठवीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ, निकल जाओ मेरे गैराज से। मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो, हमने तो ठीक से ही काम किया था। खराब गाड़ियों को ठीक करना ही हमारा काम है, निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे की बिस्तर पर हैं। सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर टंगी है। दीपू राजू से, भाई हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है, किसी को हमारी कद्र ही नहीं। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कद्र नहीं है, चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई अब पर हम वहाँ करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। हाँ चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो कैसे? अरे हम बाबा बनके लोगों को ज्ञान देंगे और उनसे पैसे लेंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध, हम राजा सूर्यदेव के चंपक नगर जा रहे हैं। चंपक नगर में राजू और दीपू गेरुए धोती और गेरुई शॉल में, कंधे तक बाल, गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊ, कंधे पे लटकी मटमैली कठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे के सामने। ये राजा सूर्यदेव का चंपक नगर है, हम यहीं से शुरू करेंगे। दीपू सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी, मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाके ये खबर फैला कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। ठीक है मैं जाता हूँ। भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाके मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर आना। हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा। औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। जरूर बाबा जी जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ है और दीपू थैले में सामान लेके उसके पास जाता है। मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है, तभी नगर के लोग वहाँ आने लगते हैं और हाथ जोड़ के नीचे बैठे हैं। बाबा हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखें और बाबा से गुरु मंत्र लें। दुकानदार राजू के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है। राजू इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कहता है, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में ये नाम का जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे,
हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। गुरुदेव, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो वो राजकुमारी के लिए अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था, आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। राजू ध्यान से आंख खोलकर राजा को देखते हुए, जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहार में लाए सोने चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता है, फिर राजा की ओर मुड़ता है। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। मैंने जो सुना था, आप उससे भी महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको कोई दिक्कत ना हो। और राजा सूर्यदेव को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। अरे राजू, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग, राज तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम अमृत में ऐसा क्या है जो मीरा सारा राजसी ठाट छोड़कर वैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही? मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे इस दुनिया का सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सभी खुश होते। राजू बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। दीपू अपनी पोटली उठा के गांव में चल देता है। क्यों भाई, कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है और अब घर में सुख शांति भी है। ये भी बेवकूफ बन गया। राजू है तो चालाक, उसने ऐसी युक्ति की कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। कुछ राशन दान करो। जरूर। दुकानदार राजू के थैले में चावल डालने जाता है, तभी दीपू, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ और मेवे तुम्हारी दुकान में है और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो, इनमें से कुछ दो। पर बाबा, तो ये सब नहीं कहते। तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूँ वो करो। दीपू आगे जाता है और जोहरी की दुकान में दुकानदार से, और भाई जोहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, कहिए क्या सेवा करूं? बाबा के लिए कुछ दान दो, इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेके गांव से गायब हो जाऊंगा, फिर ये लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ आएगा। बाबा के लिए कुछ दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो, बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने की हार दीपू को दे देता है। ये लीजिए बाबा। अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लूं। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठ के मिठाइयाँ खाने लगता है, तभी वहाँ चार डाकू चेहरे पे नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है, तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू उसे देख लेता है। अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे, क्या करूं? तभी उसे राजू की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंखें बंद कर घुटने पर बैठकर, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू का सरदार दीपू को उठाकर, सुन
राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाहियों को आते देख मन में, हे नारायण, मुझसे भूल हुई जो मैं राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं राजू के पास वापस जा रहा हूँ और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे माफ कर दो राजू, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। राजू दीपू को गले से लगाता है